मेरा नाम शिवम सारस्वत है। मेरे गांव का नाम ऐंचना है जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में पड़ता है। मैं एक कबड्डी खिलाड़ी हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मैं कबड्डी पिछले 3 साल से खेल रहा हूँ और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और एक बहन है। इसी साल मैंने यूपी योद्धा क्रू को भी ज्वाइन किया। मैं कबड्डी इसलिए खेलता हूँ क्योंकि कबड्डी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ गेम है और कबड्डी में फिटनेस बनी रहती है। हमारे एरिया में गोल कबड्डी होती है तो सब लोग गोल कबड्डी खेलते हैं। हमारी शुरुआत सबसे पहले गोल कबड्डी से ही होती है तो हमने गोल कबड्डी को देखकर ही कबड्डी स्टार्ट करी थी। कबड्डी में सबसे पहले मैंने प्रदीप नरवाल को देखा था, उसको देखकर मेरा जुनून और बढ़ गया था तो मैंने अपने गांव में एक ग्राउंड बनाया था। वहां पे लाइट वगैरह लगा के मैं खुद से ही प्रैक्टिस करता था। स्टार्टिंग में मेरे साथ 3-4 बच्चे खेलने आ जाते थे। उसके बाद उनके पेरेंट्स वगैरह ने उनसे मना कर दिया कि ये कुछ नहीं है, गेम वगैरह में इंजरी वगैरह हो जाती है, कुछ नहीं होगा आगे, तो फिर उन्होंने उनसे मना कर दिया। तो फिर मैं अकेले प्रैक्टिस करता था रात में। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह से प्रदीप की स्किल वगैरह देखकर, बाकी रेडर्स की स्किल देखकर मैं अपने स्किल्स पे वर्क करता था। मेरे घर वाले मुझे कबड्डी के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे मम्मी मेरे पापा, लेकिन जब मेरी इंजरी हो जाती है तो वो थोड़ा कम सपोर्ट करते हैं कि इसकी इंजरी हो गई, अभी आगे कैसे खेलेगा या क्या करेगा, इसकी जॉब वगैरह लगेगी या नहीं। उनको जॉब को लेकर ज़्यादा टेंशन रहती है। जब से मेरा गेम इम्प्रूव हुआ तब से मेरे इंजरी थोड़ी ज़्यादा होने लगी हैं। मेरा हैंड फ्रैक्चर भी हुआ था, उसके बाद अभी मेरे रिसेंटली में ACL लिगामेंट टियर हुआ है जिसकी वजह से मुझे नोएडा रहना पड़ रहा है। पहले अलीगढ़ में फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है तो मैं नोएडा रह रहा हूँ अभी इंजरी की वजह से। लेकिन ये इंजरी की वजह से मैं अपना गेम नहीं रोकूंगा, ना कभी हार मानूंगा। मेरा जो एम है इंडिया को रिप्रेजेंट करना वो मैं करके रहूंगा। और PKL में मेरा एम है मुझे प्रदीप नरवाल के साथ गेम खेलना है, उनके साथ रहकर प्रैक्टिस करनी है, उनके साथ ही खेलना है, तो ये मैं पूरा करके रहूँगा। तो पिछले साल मैं ग्रेटर नोएडा भी गया था मैच देखने के लिए। वहाँ मैंने यूपी बाई क्रू को देखा था, प्लेयर्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे, टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे दिल में भी आया था कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये ज्वाइन करना चाहिए। तो उस साल मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मेरी इंजरी अभी मैं रेस्ट पे भी हूँ। मैंने इस साल यूपी बाई क्रू ज्वाइन किया है क्योंकि मेरा कबड्डी से मेरा नाता ना टूटे, मेरा रिलेशन जो है कबड्डी के साथ वो कभी ना छूटे, प्लेयर के साथ गेम के साथ मैं कनेक्टेड रहूं। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूं क्योंकि मैं यूपी बाई क्रू के साथ जुड़ा हूं। अभी मुझे यूपी योद्धा की तरफ से जर्सी मिली है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत खुश हुआ था मैं। कबड्डी प्लेयर्स का एक सपना होता है कि वो PKL की जर्सी पहने या इंडियन टीम की जर्सी पहने, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी PKL की जर्सी पहनूं। तो मुझे अभी यूपी योद्धा की तरफ से जर्सी मिली है। सारे प्लेयर्स जो भी कबड्डी प्लेयर्स हैं वो सब अपनी जर्सी की पूजा करते हैं, ग्राउंड की पूजा करते हैं, तो मैंने भी जर्सी को पहनने से पहले जर्सी की पूजा की थी। 2 साल बाद अभी PKL आया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि PKL से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। उनको देखकर मैं प्लेयर्स को फॉलो भी करता हूँ, टीम को फॉलो करता हूँ। और अभी जब ऑक्शन हुआ था तो हमारा सबसे बड़ा यही क्वेश्चन था कि प्रदीप नरवाल किस टीम में खेलेगा, तो हमें तो ये लगा था कि शायद उसे पटना ही रिटेन करेगी, लेकिन मैं यूपी योद्धा ने खरीदा तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मेरा फेवरेट प्लेयर जो इस टाइम यूपी योद्धा में है, तो और अच्छा लगा इस टाइम PKL देखने को। उसको देखकर ही मैं गेम अपना आगे बढ़ाता हूँ और PKL को मैं फॉलो करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी कबड्डी खेलें क्योंकि कबड्डी एक ज़मीन से जुड़ा हुआ गेम है, फिटनेस बनी रहती है, चोट लगने से कुछ नहीं होता क्योंकि इंसान जब तक गिरेगा नहीं तो वो उठेगा कैसे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी कबड्डी खेलें, कबड्डी कोई छोटा स्पोर्ट नहीं है। PKL के आने के बाद कबड्डी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, आने वाले टाइम में वो ओलंपिक में भी जाएगा, तो आप सभी भी कबड्डी खेलें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यूपी योद्धा। मैं चाहता हूँ इस साल आप ट्रॉफी लेकर आएँ क्योंकि आप 3 साल से खेल रहे हैं, 3 बार आपने प्ले ऑफ क्लियर किया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस बार ट्रॉफी लेकर आएँ। प्रदीप नरवाल इस टीम में है तो हो सकता है इस बार हम ट्रॉफी लेकर आएंगे। मेरे फेवरेट प्लेयर भी उसी में हैं। दूसरा आशीष सिंह, आशीष नागर, ये सारे प्लेयर हैं उसमें, नितेश सिंह, सुमित सांगवान, प्रदीप नरवाल, तो इस बार हमारी टीम पक्का जीतेगी, इस बार हम ट्रॉफी अवश्य लाएंगे।